स्वागत है हजुर को मेरे चैनल शेफ बाय हार्ट में मचू हजु को होस्ट और हजु को दोस्त प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। तो ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे ट्रेडिशन की एक स्नैक रेसिपी, जो कि बहुत फेमस और बहुत फेवरेट रेसिपी है हमारी। मेरे ट्रेडिशन मतलब नेपाली ट्रेडिशन की स्नैक रेसिपी, जिसको कहा जाता है सेल रोटी। तो सेल रोटी की प्रिपरेशन के लिए वैसे तो ओवरनाइट का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि चावलों को ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, लेकिन आज रेसिपी मैं आपके लिए ऐसी लेकर आई हूँ कि वो 3 से 4 घंटे के अंदर प्रिपेयर होने वाली है, यानी कि इंस्टेंट रेसिपी है सेल रोटी की। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ मेरी किचन में शुरुआत करते हैं रेसिपी की तरह। क्यों बंदा पहला अगर हजर और मेरे चैनल में न्यू छा मतलब फर्स्ट टाइम हेडू भाई राखे छा, तो प्लीज़ मेरे चैनल शेफ बाय हार्ट सब्सक्राइब करनू होला। सब्सक्राइब करने को लगी प्रेस द बेल आइकॉन और उसको साथ जो 3 ऑप्शन आ चाहे उसमें फर्स्ट ऑप्शन लाइक क्लिक करनू होला, ताकि मेरी वीडियो की पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके फ़ोन में। धन्यवाद छा हजर को मेरे चैनल में आने को लगी। प्लीज़ वीडियो लाइक बिना स्किप करे पूरा हेडू होला। बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ मेरी किचन में शुरुआत करते हैं रेसिपी की। सेल रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 ग्लास चावल, और मैंने उनको करीब 2.5 घंटे तक गर्म पानी में भिगो लिया था। यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलोग्राम मैदा। वैसे चावलों को ओवरनाइट सोक किया जाता है, लेकिन ये इंस्टेंट सेल रोटी की रेसिपी है, इसीलिए चावलों को 2.5 या 3 घंटे तक गर्म पानी में सोक कर लीजिए। उसके बाद इसको ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। मैदे में पानी डालते हुए इसको हल्के हाथों से मिक्स करते रहना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो चावलों का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, दरदरा मिक्सचर पीस के तैयार हो चुका है। इसको ऐड कर देना है मैदे में और हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा लंप फ्री बैटर बना लेना है। हाथों से चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। उसके बाद इसमें डालना है लगभग 3 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से सेल रोटी में जो क्रिस्प आता है वो बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से भी सॉफ्ट बनती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है, इसीलिए देसी घी डाला जाता है इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इट्स टाइम टू ऐड शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो ज़्यादा शुगर ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कम ही शुगर ऐड करी है, यानी कि 3 बड़े चम्मच लगभग, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हुए इसको फिर से अच्छी तरीके से एक स्मूथ और लंप फ्री बैटर बना लिया है। बैटर बनाने के लिए आप ग्राइंडर या मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। आप बिल्कुल ट्रेडिशन के हिसाब से, जैसे कि मेरे ससुर जी बनाते हैं सेल रोटी हाथों से उसका बैटर बनाते हुए, ऐसा माना जाता है कि हाथों से बैटर बनाना ज़्यादा इजी रहता है कंपेयर टू चम्मच से या ग्राइंडर से। और इस तरीके से हम डाल के भी देख सकते हैं कि वो बैटर जो बैटर में जो धार है वो ठीक है या नहीं। तो मैदा मिलाने का यही एक रीज़न होता है कि उसकी जो धार होती है वो अच्छी सी बन जाती है। अब सेल रोटी बनाने के लिए हम इक्विपमेंट बनाएंगे, जो मेरे पास नहीं है। मैं हाथों से नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ बॉटल का यूज़ करती हूँ। तो बॉटल को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, उसका आगे का पार्ट हमने, और इसी को यूज़ करना है सेल रोटी बनाने के लिए। इस तरीके से देखिए, अब इसको हम पन्नी से या किसी कपड़े से कवर अप कर देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि हमें बॉटल का जो छेद होता है उसकी जो उसका जो ढक्कन सॉरी उसकी जो मुंह होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इतनी बड़ी सेल रोटी हम नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें पन्नी से इसको पूरी तरीके से रैप कर देंगे और उसमें छोटा सा छेद बना लेंगे, इतना जितना कि हमारा सेल रोटी का हमें मोटाई चाहिए होता है। तो कुछ इस तरीके से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेल रोटी की तरफ।
तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके का बर्तन ले लिया है तेल में डालने के लिए। अगर आपके पास बड़ा वाला दिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से छेद के ऊपर हमें हाथ रखना है ताकि बैटर एकदम से ना गिर जाए। बैटर को हम तेल के ऊपर ही गिराना है, तो तेल के ऊपर ही डाल के हमें अपनी उंगलियाँ हटानी है उसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हाथों को बर्तन के चारों तरफ घुमाते हुए हमें रोटी डालनी है, सेल रोटी बोलते हैं इसको। और क्योंकि इसमें सोडा है और ये काफ़ी देर तक बैटर रेस्ट पे रहा था, लगभग आधा घंटा इसको मैंने रेस्ट के लिए छोड़ा था, तो ये देखिए एकदम से फूल गया है। और फिर इसको आसानी से किसी चाकू से या कोई अगर पतली सीख जैसा है आपके पास तो आप उसका यूज़ करते हुए इसको पलट सकते हैं बहुत ईजीली, और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक सकते हैं। ये देखिए, सेल रोटी सेक के तैयार हो चुकी है, क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको इसका प्रोसीज़र। ये देखिए, फर्स्ट टाइम अगर आप सेल रोटी ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप हर कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए, इसको गोल्डन ब्राउन करिएगा, आपको ज़्यादा ब्राउन खानी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। और चावल की वजह से इसमें बहुत, चावल के आटे की वजह से इसमें क्रिस्प आ जाता है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको चटनी के साथ, चिकन के साथ या राजमा की दाल के साथ खाया जाता है। और सूखी जो चने होते हैं, हम बिरौला बोलते हैं, उनके साथ इसको खाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, ये हल्का मीठा होता है और चटनी वगैरह के साथ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। इसका चाय के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। तो देखिए, देखने में कितनी सुंदर और कितनी परफेक्ट लग रही है सेल रोटी, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इतनी भी हार्ड नहीं है और इट्स वर्थ ऑफ ट्राइंग, एक बार तो ट्राई करना बनता ही है फ्रेंड, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है ना, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। अगर आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ये देखिए, एक बार स्लो में दिखा देती हूँ, बर्तन के काफ़ी दूर तक हाथों को फैलाते हुए मैं लेकर जाती हूँ इसको सेल रोटी को डालने के लिए, लेकिन वो फिर उसके पास आके इकट्ठा हो जाता है और फूल जाता है, तो उसकी जो शेप होती है वो एक डोनट की तरह हो जाती है, फूल जाता है ये एकदम गोल्डन तरीके से, ब्राउन हो चुका है ये, जितना गोल्डन ब्राउन आपको पसंद है आप कर सकते हैं। इसको घुमाते हुए सेक लेना है दोनों तरफ से अच्छी तरह। तो बन चुकी है काफ़ी सेल रोटियाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतनी सेल रोटियाँ बन के रेडी हो चुकी है। इसको गरम गरम खाया जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि क्रिस्पी लगती है। तो पेश है आपके सामने नेपाल की ट्रेडिशन की एक अच्छा सा स्नैक, जिसको हम कहते हैं सेल रोटी। और अक्सर हमारे घरों में भाई त्यौहार के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, भाई दूज के टाइम पे ये बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलती हूँ आपके साथ अगली रेसिपी में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर।